अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल के आदेशानुसार राज्य स्तरीय प्रदर्शनी को मुख्य कार्यक्रमों के समापन के बाद भी शिल्प और सर्स मेला की अवधि तक जारी रखा गया है। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में हजारों विद्यार्थियों ने हरियाणा प्रदेश के 8 सालों के विकास के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, पवित्र ग्रंथ गीता की गैलरी को विशेष तौर पर पसंद किया गया है। महोत्सव में ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में आज सुबह से ही सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की प्रदर्शनी पर्यटकों, श्रद्धालुओं और विशेष तौर पर विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस समय विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी पर्यटकों के लिए 6 दिसंबर तक खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए हरियाणा के कोने कोने से विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी का देर शाम हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, हिसार के मेयर गौतम सरदाना, मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया प्रभारी पुनित अरोड़ा और केडीबी के मानव सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने भी अवलोकन किया। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में पवित्र ग्रंथ गीता के अध्यायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रदर्शनी में जहां पवित्र ग्रंथ गीता और महाभारत के उपदेशों और इतिहास को बाखूबी दर्शाया गया है, वहीं हरियाणा के विकास की तस्वीर को दिखाने का अनोखा प्रयास किया गया है। राज्य सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी देखने लायक है। इस प्रदर्शनी में हाईटेक प्रणाली से हरियाणा के आंकड़ों को दर्शाया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है वो एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा वो है जो सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग ने जिसमें लगाया है, जिसमें गीता जयंती से संबंधित जानकारियां हैं, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित जानकारियां हैं, और जैसे हाल ही में सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण सरकार की उपलब्धियां हैं वो उसमें दर्शाई गई है। दूसरे हिस्से में प्रदेश के चुनिंदा 27 वह विभाग जिनका आम जनता से हर रोज़ का वास्ता रहता है, उनकी योजनाओं को, उनकी उपलब्धियों को, उनके उपकरणों को वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। हरियाणा का सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जो हैं उन्होंने इस बार शिरकत की है और उन्हीं के कर कमलों से जो है उस एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ, तो उसमें पर्यटक भी देखा।